नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सब लोगों का एस्ट्रो तक चैनल में। मैं हूँ प्रीतिका मजूमदार। आज आपको कुछ उपाय मैं बताऊंगी जो आपको जन्माष्टमी के दिन अपनाने से आपको बहुत ही फायदा हो जाएगा। कुछ तांत्रिक उपाय आपको बताऊंगी। अगर आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, जन्माष्टमी के दिन आपको उस दिन रात को आपको अगर कोई, याद रखिएगा ये सारे उपाय, अगर सच में आपको कोई परेशान कर रहे हैं तो ही आप ये उपाय कीजिएगा, अदरवाइज मन नहीं कीजिएगा, नहीं तो उल्टा आपके ऊपर असर हो सकता है। बेफालतू में ये काम नहीं करना चाहिए। तांत्रिक टोटका होता है, इसमें आपके ऊपर वापस घूम के आ सकते हैं ये टोटका की असर। अगर सच में आपको परेशान कर रही है तो ही आप ये उपाय कीजिएगा। जन्माष्टमी के दिन आपको क्या करना चाहिए, भोजपत्रों में और लाल चंदन से शत्रु का नाम आपको लिखना चाहिए। जो शत्रु आपको, जो दुश्मन आपको आपके घर खराब कर रहे हैं, आपके आपका रिश्ता खराब कर रहे हैं, या फिर आपके बिजनेस खराब करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, उस शत्रु का नाम आपको भोजपत्रों के ऊपर लिखना चाहिए। लिख के आपको क्या करना चाहिए, भोजपत्रों में लिख के और शहद का नया एक शीशी लीजिए और शीशी के ऊपर आपको भोजपत्र में लाल चंदन से लिखना चाहिए। शीशी के लिख कर आपको शहद की शीशी में आपको भर के आपको रख देना चाहिए और मिट्टी के नीचे गाड़ देना चाहिए। इसको, इससे आप देखेंगे जो शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं वो शत्रुता करना बंद कर देंगे। आपको याद रखना, कोई पेड़ पौधे या फिर पीपल के वृक्ष के पास जाइए, वहीं पे थोड़ा मिट्टी खोड़ के, मिट्टी निकाल के आपको ये शहद की बोतल वहाँ पे नीचे रख देना चाहिए, फिर मिट्टी से भर देना चाहिए। तो ये ऐसे करने से शत्रु जो है शत्रुता छोड़ देंगे, आपके साथ शत्रुता नहीं करेंगे आगे से। ये बहुत अचूक टोटका है। इसके अलावा एक उपाय आपको और बताऊंगी। सहदेवी और अपामर्ग के रस को लोहे की कोई पात्र में अच्छे से घोट लीजिएगा। घोट के आप तिलक करिए और तिलक लगा के शत्रु के सामने जाने से शत्रु जो है आत्मसमर्पित कर लेंगे। ये भी आप जन्माष्टमी के दिन बना सकते हैं। वो तिलक जो होता है सहदेवी और अपामर के जड़ को एक लोहे के बर्तन में घोटने का, ये जो घोट के जो तिलक बनाना है ना, ये जन्माष्टमी के दिन नहा धो के श्री कृष्ण की पूजन करके घर की मंदिर में ही आप ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा एक उपाय आपको और बताऊंगी। करवी की फूल होता है, करवी बंगाल में बोला जाता है, पर उसको यहाँ जो नॉर्थ इंडिया में कनेर का फूल बोला जाता है। कनेर के पुष्प वो साथ में गोघृत दोनों मिलाकर जिस किसी स्त्री का नाम लेकर 108 बार अपने घर में ही हवन में आहुति दे देंगे, वो आपको अगर परेशान कर रहे हैं, वो आपके लिए अगर बुरा चाहते हैं या फिर आपके घर के लिए बुरा कर रहे हैं कुछ, वो बुरा करना बंद कर देंगे। वो बुरा काम छोड़ के आपके साथ जो है दोस्ती करना शुरू कर देंगे। तो ये काम भी आपको जन्माष्टमी के दिन करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन अपने घर में हवन कीजिए और जैसे कि मैंने बोला, कनेर का पुष्प जो है, पुष्प के साथ गोघृत दोनों आपको पीसना चाहिए। वो भी रात को, 23 तारीख रात को, जन्माष्टमी की रात को आपको ये पीसना चाहिए। वो जो टाइम होता है वो उसी रात को होना चाहिए और 24 तारीख बेशक आप घर में एक हवन रखिए। हवन में आपको हवन करके आपको वो, आपको ये चंदन जो है, हवन की थोड़ा सा राख इस चंदन के साथ, ये जो आपको बोला ना, आपकी पुष्प और गोघृत दोनों मिक्स आपने किया, उसके साथ ज़रा हवन की राख उसमें अर्पित कर दीजिएगा। ये तीनों मिक्स करके लगा लीजिएगा। रोज़ लगाएंगे तो अगर कोई आपको परेशान कर रहे हैं तो आपको, कोई शत्रु आपको परेशान करे तो आपको परेशान करना बंद कर देंगे। पर इसको तिलक लगाना चाहिए, ज़रा सा छोटा सा बिंदी के रूप में नहाने के बाद रोज़ लगाना चाहिए। और उसके बाद एक उपाय आपको और बताऊंगी। आपको करना पड़ेगा, पुष्य नक्षत्र के दिन किसी भी धोबी की पैर की धूल लेके, अगर कोई किसी को आप चाहते हैं
आप शादी के लिए, याद रखिएगा ये चीज़ गलत जगह पे इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, ये उपाय गलत आप लड़का या लड़की को पाने के लिए इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपके ऊपर ये असर होगा, उल्टा असर होगा। तो ये भगवान भी देखते हैं क्या इंटेंशन से आप ये काम कर रहे हैं, ये उपाय कर रहे हैं, नहीं तो आपका ये उपाय फलीभूत नहीं होगा। तो मैं पहले से ही कह के आपको बता रही हूँ, पुष्य नक्षत्र के दिन अगर धोबी की पैर की धूल लेके जो भी लड़की को आप चाहते हैं या फिर लड़की कोई लड़का को चाहते हैं शादी करना, उनको आप लगा देंगे, उनके माथे में लगा देंगे, इससे आप उनके साथ शादी हो जाएगा, ऐसे करने से आपका शादी जल्दी हो जाएगा। इसके अलावा एक उपाय आपको और बताऊंगी, उल्लू जो पक्षी होता है, एक उल्लू की रीढ़ की हड्डी, केसर, कस्तूरी और कुमकुम सबको एक साथ पीस लीजिएगा और घिस कर अच्छे से पीस कर तिलक लगाने से आपका, अगर कोई आपके बात नहीं मान रही, आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे या फिर कोई आप अगर शेयर में कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपको लगातार वो परेशान कर रहे जा रही है और आपकी बात नहीं सुन रही है, मान रही है, तो इस चीज़ का जो मैंने आपको बोला उल्लू की, उल्लू पक्षी की रीढ़ की हड्डी, केसर और कस्तूरी, ये तीनों साथ में कुमकुम मिक्स करके अच्छे से तिलक बनाइए, उसको तिलक रोज़ लगाइएगा, इससे आपके एक दूसरे के साथ जो है मिल मिलाप बहुत अच्छा हो जाएगा। आखिरी उपाय आपको मैं बताऊंगी, आप ये उपाय कर सकते हैं जन्माष्टमी के दिन। आपको क्या करना है, अगर आपकी पति पराई स्त्री के साथ कोई संबंध है आपके पति का, तो आप ये उपाय ज़रूर कीजिएगा, कोई गलत इंटेंशन से मत कीजिएगा, मैं बार बार बता देती हूँ, क्योंकि ये गलत इंटेंशन से अगर आप कुछ भी काम करेंगे तो इसका गलत असर आप ही के ऊपर पड़ने वाले हैं। याद रखिएगा, कोई गलत इंटेंशन से नहीं कीजिएगा, हमेशा मैं पॉजिटिव टोट का बताती हूँ, क्योंकि किसी के घर बस जाए, किसी के साथ बुरा हो रहा है तो उनके साथ अच्छा हो जाए, पर गलत काम कभी भी ना, मैं कहती हूँ ना, औरों को मैं करने के लिए बताती हूँ। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर पति पराई स्त्री के साथ आकृष्ट है या अट्रैक्ट है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जन्माष्टमी के दिन उनके जो सर के ऊपर जो जहाँ पे चोटी रखते हैं, उस चोटी के जगह से ज़रा सा बाल काट के आप अपने पास रख दीजिएगा, और उसके बाद देखिएगा, और ये ठीक अगर रात को 12 बजे के बाद आप ये काम कीजिएगा, और उसके बाद आप देखिएगा बहुत जल्दी आपके हस्बैंड वो उस पराई स्त्री को छोड़ के आपको प्यार करना शुरू कर देगा। जब तक आपका पति आपके तरफ पूरी तरह ना आ जाए, तब तक उस बाल को संभाल के रखिएगा, और जैसे आपके आपकी तरफ आ जाए, ठीक पूरी तरह आपकी साइड आ जाए, उसके बाद वो बाल को जला के फेंक दीजिएगा या फिर वो बाल को बहा दीजिएगा किसी पानी में। याद रखिएगा, इसको जो है ये भी किसी घर को बसाने के लिए किया जो उपाय आपको बोला, किसी घर को बसाने के उपाय बोला है, तोड़ने के लिए नहीं, किसी का तोड़ना नहीं है, जोड़ना है, पॉजिटिव उपाय, इसीलिए मैं हमेशा पॉजिटिव बात करती हूँ, पॉजिटिव उपाय बताती हूँ, ताकि सभी का फ़ायदा हो, सभी का बेनिफिट हो, और पॉजिटिव चीज़ जो है वो ब्रह्मांड में फैलाऊँ, ताकि पॉजिटिव जो चीज़ों का असर वो बहुत ज़्यादा असर करते हैं खुद को भी। चलो आज तो आपने जान लिया ये सारे उपाय, आपको जन्माष्टमी के दिन क्या क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसे ही मैं आप लोगों के सामने और भी पूजा पाठ और साधना लेके हाजिर हो जाऊंगी। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा एस्ट्रो तक चैनल को। नमस्कार।